और मेरे भाई लोग कैसे हो। तो गैस अगर आप लोग भी अपने आईफोन 11 में 5G को जो कि एक्टिवेट करना चाहते हो तो गैस इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना, वरना आपने एक भी स्टेप मिस किया तो गैस आपका जो कि 5G एक्टिवेट नहीं हो पाएगा इस आईफोन 11 में। तो गैस ये जो आईफोन 11 है पिछले 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कि आज मैं आपको जियो का ट्रू 5G जो कि अनेबल करके दिखाने वाला हूँ। तो यार थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, यार थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो गैस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कि ट्रू 5G आपके सामने जो कि अनेबल करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, जो जो सेटिंग्स मैं करूँगा ना सिंपली आपको वो स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। तो गैस उससे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आप लोगों ने भी जो किया है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में अपने जाकर चेक करो कि आप लोगों ने अगर ये 16.2 वाला 5G वाला अपडेट अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो गैस प्लीज़ जल्दी से जाके उसको कर लो। अगर आपको जो कि करने के बाद आपको नहीं पता है कि भाई कौन सा फीचर कौन कौन से चेंजेस हुए मेरे आईफोन में, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, वो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो गाइज़ उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज़ इस वाले अपडेट को जो कि डाउनलोड कर लो भाई, जिन जिन भाई ने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक नहीं करोगे तब तक आपके आईफोन 11 में 5G इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये 5G अपडेट ही दिया है एप्पल वालों ने, ठीक है। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली करना क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो कि आपको अपने डायलर में जाना है सिंपली, ठीक है। तो डायलर में जाने के बाद मैं आपको जो सीक्रेट कोड बता रहा हूँ गाइस आपको वो वाला डाउनलोड जो कि को यहाँ पे डायल करना है। उसके बाद जो कि आपको जो जो सेटिंग्स बोलूँगा आपको वो सब करना है, ठीक है। तो गाइस वीडियो में पूरा का पूरा बने रहे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो कि कोड मैं यहाँ पर जो कि डालने वाला हूँ वही कोड आपको डालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं दो सिम यूज़ कर रहा हूँ, एक जियो का है और एक VI इंडिया का, ठीक है। तो गाइस जियो का 5G ही मैं आपको अनेबल करके दिखाऊँगा, VI ने तो भाई 5G लॉन्च ही नहीं किया है, जियो और एयरटेल ने 5G लॉन्च किया है। तो गाइज़ यहाँ पे जो कि मैं आपको जियो का जो कि है एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली अभी मेरा जियो का टावर 4G में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है, आपको यहाँ पे एक कोड डायल करना है, ठीक है। तो गाइज सब अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स में जाके शेयर कर देना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कि है स्टार लगाना है, स्टार लगाने के बाद यहाँ पे आपको ये लगाना है, उसके बाद ये ठीक है 300 लिखने के बाद भाई ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है, किसी को मतलब गलत मत कोड डालना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 300 एक मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली जो कि है हैश दबा देना है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये गाइज जो हमारा सीक्रेट कोड है इसी के थ्रू जो कि अनेबल करेंगे, ठीक है, अपने 5G को। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये मैंने यहाँ पर जो कि हैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि हम लोग क्या करेंगे स्टार लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखना बूम गाइस एक नया जो कि मेन्यू खुल जाएगा भाई, ये देखो यहाँ पे जो कि यहाँ पे हमारा जो कि कन्वर्जन वाला सिस्टम चालू हो गया, मतलब जियो को कैसे जो कि है 5G में कन्वर्ट किया जाए सिंपली, ठीक है। तो आइडिया है और जियो है, हमने किस में काम करना है, जियो में काम करना है, क्योंकि भाई आइडिया वालों ने तो 5G लॉन्च ही किया, उसका टावर कहाँ से पकड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो कि जियो पर सेलेक्ट कर रखना है, उसके बाद सिंपली अब आपको जाना है यहाँ पर, आप देख सकते हो लिखा हुआ है UMTS नेवर सेल मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे आओगे लिखा हुआ है, एक मिनट यार ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिनट, हाँ तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है LTE UMTS, ठीक है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको सब्स कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है इसको, ठीक है। सिंपली मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया, अब आपको यहाँ पे बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद जो कि आपको सिंपली अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो कि आपको CRDX पे आना है, ठीक है। उसके बाद CRDX पे आने के बाद यहाँ पे भी आपको सब्स आईडी करना है, ठीक है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको दोबारा से जो कि कंपोनेंट कैरियर इन्फो में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे हम यहाँ पे जो कि अपने फ़ोन की रेंज बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे तभी गाइस हमारे जो कि आईफोन 11 में जो कि 5G का टावर पकड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है बैंडविड्थ, तो हम यहाँ पे बैंडविड्थ को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग हमने 3 कर ली है, उसके बाद आपको सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो अब इसको गाइस यहाँ से जो कि है अब आपको यहाँ से इसको कर देना है ऑफ, ऑफ कर दिया हमने। ऑफ करने के बाद सिंपली अब आपको अपने जो कि मेन सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो मेन सेटिंग में बैक आ जाता हूँ यहाँ से, बैक आने के बाद जो कि है यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पर मेन सेटिंग आ गई। उसके बाद आपको अपने जो कि जो अपनी सिम के सेटिंग होते हैं उसमें जाना है मोबाइल सेटिंग में, ठीक है।
तो मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एक पर्सनल है और एक मोबाइल डेटा है, ठीक है। तो गाइज़ मेरा जो कि दूसरे सिम में जो कि है मेरा अभी जियो का सिम जो कि मैंने इस सिम एक्टिवेट किया हुआ है, तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, जियो के सिम में जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लेना भाई, अपना कौन सा जियो का सिम है उसी में जाना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नेटवर्क प्रोवाइडर सर्विस, ठीक है, सिंपली आपको नेटवर्क प्रोवाइडर सर्विस में जाना है। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा माई जियो ऐप, ये चाहे आप बाहर से भी डाउन ऐप स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ माई जियो ऐप, सिंपली मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको जो कि है ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको जो कि है ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो कि है ट्रू 5G आ चुका है, ठीक है। अब सिंपली जो कि है यहाँ पे भाई नीचे पहले देख लो कि भाई यहाँ पे अपने शहर का नाम देख लो भाई, जिस अगर आपका शहर का नाम इसमें या सिटी का नाम आ रहा है ना गाइस, तो उसी के फ़ोन में उसी के आईफोन में जो कि है 5G चलेगा, बाकी वो भाई भूल जाओ अभी, ठीक है। क्योंकि जो कि धीरे धीरे सभी शहर में जो कि लॉन्च कर रहे हैं 5G को, सिंपली यहाँ पे जो कि अपने शहर का नाम देख लेना, बाद में भाई मत आके भाई कमेंट करना कि भाई तू मतलब ऐसे वैसे वीडियो डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है इज़ योर डिवाइस 5G रेडी, ठीक है, और प्रीव्यू योर 5G फ्यूचर, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि हम यहाँ पे इज़ योर डिवाइस रेडी के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो कि हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट OTP ऊपर क्लिक करेंगे, और गाइज इसको जो कि सबमिट कर देंगे, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे जो कि पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कि हमारा 5G जो हमारा जो आईफोन 11 है वो 5G है कि नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे जो कि है अब मैं पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे ना गाइज, तो भाई आप लोग को भाई ये नहीं पता लगेगा भाई मैं यहाँ पे ट्रू 5G में कैसे आ गया, ठीक है। तो पहले मैं आपको दोबारा से जो कि बंद करके चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद जो कि है आपको क्या करना है, ये देख सकते हो मेरा माई जियो, ठीक है। तो माई जियो मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो सिंपली यार, तो एक मिनट पहले इसको मैं ऐसे कट कर दूं, ठीक है, आप लोग को भी ऐसे कट कर देना है। तो आपका यहाँ पे होम पे है, तो आपको ट्रू 5G के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ट्रू 5G के ऊपर लेके जाने के लिए हम यहाँ पे ट्रू 5G के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो गाइज मैं ऐसे आया था इस जगह पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो किया यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ योर डिवाइस इज़ रेडी, ठीक है। तो उससे पहले तो भाई हम लोग अपना चेक करेंगे भाई हमारे आईफोन 11 में 5G चलता है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस सब जो मैंने डायलर में जो कोड वाली सेटिंग की थी वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो कि है आपको लिखा हुआ है चेक डिवाइस कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो कि अपना आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्रांड हम यहाँ पे एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो कि यहाँ पे आईफोन 11 है अपना, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो कि है